सो गाइस वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सर जिमेश। सो गाइस आज को हम बात करने वाले हैं कि गाइस अगर आप अपनी फोन पे एप्लीकेशन को यूज कर अपने फोन पे एप्लीकेशन से अपने किसी फ्रेंड के पास अगर आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर गाइस आपका इस तरीके से प्रॉब्लम दिख करके आ रहा है यूपीआई पिन नॉट सेट, या गाइस इस तरीके से प्रॉब्लम दिख करके आ रहा है और यहाँ पे नीचे लिख रहा है यू नीड टू यहाँ पे सेट यूपीआई पिन फॉर दिस अकाउंट टू यहाँ पे मेक यूपीआई पेमेंट और लिख रहा है प्लीज सेट यहाँ पे एंड ट्राई अगेन। तो गाइस अगर आपके इस तरीके से ऑप्शन लिख करके आ रहा है, आपकी इस प्रॉब्लम लिख करके आ रहा है अगर अपने किसी फ्रेंड के अकाउंट में पैसा इस तरीके से ट्रांसफर करें, गाइस आप जैसे पे अमाउंट आप डाल रहे हैं, मान लीजिए आप कितने भी रुपए आप भेजना चाहते हैं अमाउंट डाल रहे हैं और आप जैसे पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने, पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में जैसे आप यहां से अपना यूपीआई पिन आप डाल रहे हैं, आप जो अपना रियल यूपीआई पिन है अपना यूपीआई पिन डाल रहे हैं, लेकिन गाइस आपको जो यहां पे पेमेंट यहां पे नहीं हो रहा है, आपका इस तरीके से प्रॉब्लम लिख करके आ जाएगा यहां पे सेट यूपीआई पिन। तो गाइस आज के वीडियो को बताने वाले हैं कि गाइस अगर आपका इस तरीके से प्रॉब्लम लिख करके आ रहा है तो गाइस आप अपनी इस प्रॉब्लम को विद इन 2 मिनट्स के अंदर आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसको आप फिक्स कैसे करेंगे। तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो गाइस आपको इस वीडियो को एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, तब गाइस आप अपनी इस प्रॉब्लम को इजीली विद इन 2 मिनट्स के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे, इजीली आप ठीक कर पाएंगे। तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, गाइस आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में सब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से बैक आना है। बैक आने के बाद में अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी इस फोन पे एप्लीकेशन को आपको यहाँ से डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद में सब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, जब गाइस आप यहाँ से डिलीट कर देंगे, जैसे आप अपने फोन पे एप्लीकेशन को आप डिलीट कर देंगे उसके बाद में आप सिंपली क्या करना, आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फोन पे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना। तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक कर देंगे उसके बाद में अब आपके सामने डायरेक्टली आपका जो यहाँ पे प्ले स्टोर इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको फोन पे एप्लीकेशन को अपने फोन में यहाँ से डाउनलोड कर लेना, तभी आपको जो प्रॉब्लम है सॉल्व होगा, नहीं तो आपको जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से गाइस आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन को आपको यहां से डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद में सिंपली यहां पे ओपन का ऑप्शन आएगा तो आपको ओपन पे क्लिक करना। तो फाइनली गाइस मेरा जो एप्लीकेशन है पे डाउनलोड हो रहा है, तो चलिए गाइस क्या करेंगे, कुछ सेकंड तक वेट कर लेंगे। तो फाइनली गाइस मेरा जो फोन पे एप्लीकेशन पे डाउनलोड हो चुका, डाउनलोड होने के बाद में यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने के बाद में इस तरीके से ओपन का ऑप्शन आएगा तो आपको ओपन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ से ओपन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद में आप सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको जो फोन पे अकाउंट है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप सिंपली क्या करना पड़ेगा गाइस आपका जिस तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लॉगिन हो जाएंगे। तो फाइनली गाइस हमसे क्या कि अपना पासवर्ड पे डाल दिया, पासवर्ड डालने के बाद में उसके बाद में आपका जो फोन पे अकाउंट है इस तरीके से बन जाएगा। देख सकते हैं मेरा जो फोन पे अकाउंट है इस तरीके से बन चुका है। अब गाइस आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी इस प्रोफाइल पे क्लिक करना। तो जैसे अपने इस प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे उसके बाद में सिंपली आपको ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। तो जैसे अपने बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद में आपके जिस बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम आ रहा था उस बैंक अकाउंट को चूज करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा जो बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको जो बैंक अकाउंट है वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपको जो बैंक अकाउंट है आपके फोन पे एप्लीकेशन से इस तरीके से लिंक हो जाएगा। लिंक होने के बाद में पे कह रहा है अकाउंट है एडेड सक्सेसफुली और आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखा रहा है। आपको रिस्टार्ट यूपीआई पिन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप रिस्टार्ट यूपीआई पिन पे क्लिक कर देंगे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एटीएम कार्ड का यहां पे नंबर डालना, एक्सपायरी डेट डाल देना, उसके बाद में आपको अपना नया यूपीआई पिन आपको बना देना। तो चलिए किसम से क्या करेंगे, अपने एटीएम कार्ड का नंबर एक्सपायरी डेट यहां पे डाल देंगे। तो फाइनली कि जैसे अपने एटीएम कार्ड का नंबर डाल करके हम जैसे प्रोसीड वाले ऑप्शन में क्लिक किया तो मेरे एसबीआई बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, तो आपको उस ओपीटी को डालना है। ओपीटी को डालने के बाद में सिंपली आपको टिक वाले बटन पे क्लिक करना है। टिक वाले बटन पे क्लिक करने के बाद में अब आपको यहां से गाइस आपको अपना एक नया यूपीआई पिन आपको सेट करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस क्या करेंगे, नया यूपीआई डाल देंगे, उसके बाद सिंपली आपको टिक वाले बटन पे आपको क्लिक करना। तो जैसे आप टिक वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो गाइस कह रहा है कन्फर्म 6 डिजिट यूपीआई पिन। तो गाइस आपको एक बार और अपने यूपीआई पिन को आपको डाल देना। डालने के बाद सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको टिक वाले बटन पे क्लिक कर देना। तो जैसे आप डाल करके टिक वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो गाइस आपको जो यूपीआई पिन यहां पे सक्सेसफुली यहां पे रीस्टार्ट हो जाएगा, सक्सेसफुली आपको जो यूपीआई पिन यहां पे अपडेट हो जाएगा। आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डन वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद में सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद में सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने बैंक आपको बैलेंस चेक करना पड़ेगा। तो आपको बैक आना, बैक आने के बाद में सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको चेक बैलेंस पे क्लिक करना है। चेक बैलेंस पे क्लिक करने के बाद में अब आपको अपने बैंक पे क्लिक करना है। बैंक पे क्लिक करने के बाद में सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहां से अपना यूपीआई पिन आपको डाल देना। यूपीआई पिन डालने के बाद में अब आपको सिंपली टिक वाले बटन पर क्लिक करना। तो जैसे आप अपना यूपीआई पिन आप डाल देंगे उसके बाद सिंपली आप टिक वाले बटन जैसे क्लिक कर देंगे तो देख सकते मेरे अकाउंट में जितना बैलेंस है शो हो चुका है। अब गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप किसी के पास पैसा भेज रहे थे आपका पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा था तो आपको सिंपली यहां पे टू मोबाइल नंबर पे क्लिक करना। उसके बाद में अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जिस फ्रेंड के पास आप पैसा ट्रांसफर कर रहे थे आपको अपने उस फ्रेंड को चूज करना। चूज करने के बाद में सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे अमाउंट डाल देना है। तो चलेगा सब जितना अमाउंट भेज रहे थे आपको इतना अमाउंट आपको इंटर कर अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट डालने के बाद सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो गाइस अब आपको यहां से अपना यूपीआई पिन आपको डाल देना, जो यूपीआई पिन अभी सेट किया आपको अपना यूपीआई पिन आपको डालना। यूपीआई पिन डालने के बाद सिंपली टिक वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे गाइस आप यहां से अपना यूपीआई पिन डाल करके टिक वाले बटन
पर क्लिक कर देंगे तो गैस आपका जो ट्रांजेक्शन ऐप है सक्सेसफुली हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो गैस आपको जो ट्रांजेक्शन ऐप 101% यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो गैस अगर आपके इस तरीके से प्रॉब्लम लिख करके आ रहा है तो गैस अपनी इस प्रॉब्लम को विद इन 2 मिनट्स के अंदर इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर गैस आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है करने भी तो गैस आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू बात कर सकते हैं, जो कि उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गैस आपका हर एक प्रॉब्लम वहां से सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए गैस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।